दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। वही दूसरी तरफ एशिया कप 2023 की होस्टिंग के रिगार्डिंग हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप सभी लोग T20 वर्ल्ड कप 2022 को बिल्कुल फ्री में लाइव देखना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गुवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड फाइनली खत्म हो चुका है, आज से सुपर 12 की शुरुआत होने के लिए जा रही है। लेकिन दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के रिगार्डिंग आज की तारीख में तीन चार बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है सुपर 12 क्वालिफिकेशंस को लेकर, जहां पर भाई मैंने आप सभी लोगों को बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2020 के फर्स्ट राउंड के सभी महामुकाबले समाप्त हो चुके हैं, जहां पर ग्रुप ए से भाई आप सभी को बताया कि श्रीलंका और नीदरलैंड की टीम ने क्वालीफाई किया था। वही कल ग्रुप बी के भी सभी महामुकाबले समाप्त हो चुके, जहां पर आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीम ने सुपर 12 में क्वालीफाई कर लिया। और दो टीमें, जी हां, आपको बताना चाहूंगा कि आपकी यहां पर जिम्बाब्वे की टीम और आपकी नीदरलैंड की टीम, दोनों टीमें भारत वाले ग्रुप में आ गई, यानी भाई टीम इंडिया इन दोनों ही टीमों के साथ अपने अपने महामुकाबले खेलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि 23 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2022 का हाई वोल्टेज महामुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैच की शुरुआत से पहले ऑलरेडी हम सभी लोगों को काफी सारी बुरी बुरी खबरें देखने को मिली थी। खबर यहां पर वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आई थी, जहां पर भाई 21 तारीख 22 तारीख और 23 तारीख तीनों दिन की तगड़ी बारिश बताई जा रही थी। बिल्कुल वैसा हुआ जी हाँ, कल यहां पर ब्रिस्बेन, सॉरी यहां पर मेलबर्न के स्टेडियम में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते ग्राउंड में काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका। भाई एक और तगड़ा झटका यहां पर है, झटका कुछ ऐसे कि भाई 23 अक्टूबर को भी यहां पर 85-90% रेन के चांसेस बताए जा रहे हैं, जिसके चलते भाई इस महामुकाबले का देख पाना यहां पर थोड़ा सा हमें मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स यहां पर ऐसा क्लियर करेगी, भारतीय समय अनुसार लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वहां पर मौसम थोड़ा सा साफ हमें देखने को मिल सकता है, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच हमें कुछ ओवर्स का मैच यहां पर जरूर देखने को मिले। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को लेकर, जहां पर बाबर आजम ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान ऐसा कहा कि हम भारत के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था, बिल्कुल उसी तरह से हम बड़ी जीत के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हो। वही दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से भी अलग अलग स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही, जहां पर रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले थ्रिलर महामुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 को तैयार कर लिया। लेकिन दोस्तों आपके मुताबिक कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की चैंपियन, भारत या फिर पाकिस्तान, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर भाई आपको पता है कि साल 2023 में होने वाले एशिया कप के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होने वाले थे। लेकिन अचानक से यहां पर BCCI ने कंफर्म कर दिया कि भारत की टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगी, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क का जो क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, काफी ज्यादा तिल मिलाया हुआ नजर आ रहा है। जहां पर भाई सबसे पहले उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को धमकी दी, उसके बाद उन्होंने ICC को भी यहां पर धमकी दी कि वो अगले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन
लेकिन कल या फिर से बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट रोजर्स बिनी ने ऑफिशियली बोल दिया कि भाई हमें यहाँ पर पाकिस्तान की धमकियों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, हमारी टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी, यानी भाई एशिया कप 2023 को किसी अनदर कंट्री में न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जाएगा। अब एशिया कप 2023 या तो हमें श्रीलंका में देखने को मिलेगा या फिर यह टूर्नामेंट हमें एक बार फिर से यूएई में देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर बीसीसीआई और आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमें फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2023 के लिए अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन इसी बीच नीलामी को लेकर भाई यहां पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर भाई आपको पता है कि 16 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे के बाद से हमें बेंगलुरु में आईपीएल 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। और इसी बीच भाई सभी टीमें अपनी तैयारियां कर रही है, सभी टीमों ने अपने टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट को भी रेडी कर लिया, जिस लिस्ट को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको एक स्पेसिफिक वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें ऑक्शन से पहले देखने को मिलेगा आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो, जहां पर काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हमें ट्रेड विंडो के जरिए अपनी टीमों को बदलते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर आपके रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, राहुल तेवातिया जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं। क्या हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर बीसीसीआई ने खुद कंफर्म कर दिया था कि साल 2023 की शुरुआत में हमें वुमेन्स आईपीएल का इनॉग्रल यानी फर्स्ट सीजन देखने को मिलेगा। और भाई पूरी तरह से सभी फ्रेंचाइजी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कल काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स हमें यहां पर वुमेन्स आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिले, जहां पर बीसीसीआई ने यह कंफर्म कर दिया है कि वुमेन्स आईपीएल की नीलामी यानी ऑक्शन नहीं होने वाली है, ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए सभी खिलाड़ियों को, सभी वुमेन्स प्लेयर्स को खरीदा जाएगा। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब होगा ड्राफ्ट प्रोसेस और कब होने वाली है टूर्नामेंट की शुरुआत, तो बीसीसीआई ने अपना फाइनल अपडेट दे दिया है, जहां पर जनवरी 2023 में हमें आईपीएल 2020 वुमेन्स आईपीएल 2023 का ड्राफ्ट प्रोसेस देखने को मिलेगा, और मार्च 2023 में यह शानदार टूर्नामेंट हमें भारत में ही आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर, जहां पर भाई आपको पता है कि जिस वक्त पर बीसीसीआई ने, भारत की सरकार ने, भारत के मतलब जो पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ, उन्होंने ऐसा बोला कि एशिया कप में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगी, एशिया कप को शिफ्ट किया जाएगा, तब से हमारे प्रोस टीम उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। अलग अलग स्टेटमेंट्स वो यहां पर लगातार दे रहा है, कभी बोल रहे कि भाई एशिया कप से खुद को बाहर कर लेंगे, कभी बोल रहे कि भाई हम यहां पर मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि भाई जिस तरह से हर बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ होता है, जिस तरह से हर बार उनकी बातों को यहां पर इग्नोर कर दिया जाता है, बिल्कुल उसी टाइप का सीनेरियो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और भाई जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई भले ही यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिलहाल तिलमिलाया हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई डिसीजन यहां पर एसीसी या आईसीसी लेती है, तो भाई डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस ऑर्डर को यहां पर फॉलो करने वाला है। तो दोस्तों ये आज 22 अक्टूबर 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो पर इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब टू क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।